दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्योश्च उत्तरदायक सर्पे च गृहे वासो मृत्यु रेव न संशय। मतलब क्या है जी, दुष्टा भार्या, ठीक है, संस्कृत में पत्नी को भार्या कहा जाता है, ठीक है, दुष्टा भार्या मतलब पत्नी हो दुष्ट हो तुम्हारा बात ही नहीं सुनती, आप सही है कि गलत है उस पे उसको कोई लेना देना नहीं है, बस आप हमेशा गलत ही रहते हैं, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दुष्टा भार्या सठम मित्रम, मित्र है सठ है, ठीक है, आपके किसी काम का नहीं है, हर समय आपका विरोध करता है, ठीक है, आपका भला कभी सपने में भी नहीं सोच सकता लेकिन सामने मित्र होने का दावा करता है, ठीक है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्योश्च उत्तरदायक, जवाबी नौकर, आपने नौकर रखा है काम पे, वो जवाब देता है, आपका सुनता नहीं बल्कि आपको जवाब देता है, उत्तर देता है, आपको ही उपदेश देना शुरू कर देता है। भृत्योश्च उत्तरदायक सर्पे च गृहे वासो, आपके घर में सर्प का वास है, अजगर को मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराने जमाने में कुछ लोग थे जो कहते हैं कि यार अजगर अगर घर के अंदर है तो संसर्प बरकत अच्छा है, लक्ष्मी का वास होगा, पैसे बढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ। सर्पे च गृहे वासो मृत्यु रेव न संशय, घर में सर्प का वास है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति का मृत्यु निश्चित होगा, ठीक है, सर्पे च गृहे वासो मृत्यु रेव न संशय, ऐसे व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है, कोई संशय नहीं है ऐसे व्यक्ति के मृत्यु में, ठीक है। अब ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, ठीक है, कैसे, मेरे मित्र को जो मैंने बता दिया सठ हो, आपके किसी काम का नहीं, आपका कभी सुनता नहीं, नहीं आपका कभी हित का सोचता है, अगर इसी को मैं थोड़ा संस्कृत में ट्रांसलेट करके बोलूं, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम, आपके जब सामने आता है तो बहुत प्रिय बोलता है, जब परोक्ष में होता है, जब आपके से किनारे हट जाता है तब आपका बुराई करना शुरू करता है, आपके कार्य का विनाश कर देता है, पीठ पीछे वार करता है, ऐसा मित्र बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सोने के कलश में विष भरा हुआ है और उसके मुख पे बिल्कुल दूध और मक्खन लगा हुआ है, बिल्कुल उसी घड़े के जैसे, उसी कुंभ के जैसा ये मित्र होता है ऐसा। इसलिए ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, सदैव याद रखना, जैसे ही आप इस बाहर की दुनिया में निकलोगे तो ऐसे ही राजनीतिज्ञ लोग मिलेंगे आपको, आपके सामने आपके मुख पे क्या कहेंगे मालूम, हम तुम्हारे हैं लेकिन तुम्हारे लिए कुछ करेंगे नहीं, तुम्हारा सिर्फ बर्बाद करेंगे। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने का, ठीक है, ऐसे लोगों से दूरियां बनाने का, डिस्टेंस मेंटेन करने का। ठीक है, ऐसे लोगों से देखिए, हर समय अगर आपका कोई बुराई करता है महत्व का नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो आपके सिर्फ गलतियों पे नजर रखता है तो हो सकता है कि वो आपका मित्र हो, लेकिन अगर जो आपके अच्छाई को भी आपका बुराई ही सिद्ध करे तो निश्चित रूप से आपका शत्रु ही होगा, वो चाहे कोई भी हो, ठीक, कोई भी व्यक्ति अगर आपके सिर्फ बुराइयों पे नजर रखता है तो वो आपका मित्र हो सकता है, परंतु आपके अच्छाइयों को भी बुराई सिद्ध करने लगे तो निश्चित रूप से वो आपका शत्रु ही होगा, वो मित्र नहीं हो सकता कभी। ठीक है, आपको समझ में आ गया जी? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाकी राजनीति बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी का राजनीति समय आने पर और पढ़ेंगे जी। ठीक है, जरा बताइए हम लोग कल क्या पढ़े थे? देखिए बात ऐसा है ना कि आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई बुरा ना करे, आपके साथ हमेशा अच्छा हो,
तो उसके पहले आपको किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना होगा। सबसे पहले आपको अच्छा करना पड़ेगा, तब आपके साथ अच्छा होगा। आपको दूसरे का सम्मान पहले करना पड़ेगा, तब आपका सम्मान कोई करेगा। लेकिन हाँ, एक बात सदैव याद रखना, कोई भी चीज किसी व्यक्ति को आप दे रहे हैं तो उसका उपयुक्तता या योग्यता देख करके ही दीजिए। अयोग्य व्यक्ति को कभी कुछ नहीं देना चाहिए, चाहे मान सम्मान प्रतिष्ठा हो या धन का बात हो या फिर वोट देने का बात क्यों ना हो, योग्यता सिद्ध करे तभी देना। अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, नहीं तो पाप होता है। ठीक है, उसको तैयार करना चाहिए। लायक ना हो तो तैयार करो, लायक हमें बनाना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। आपको जान करके हैरानी होगा, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी साधारण इंसान ही था, लेकिन उसको तैयार किया आचार्य चाणक्य ने, तब जाकर के वो महान सम्राट चंद्रगुप्त बना। नहीं तो वो भी साधारण इंसान था। क्यों? तो हमें तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ लें आप कुछ अपना विषय। चलिए जी, न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, चलो जी, मैं पिक्चर बॉक्स वाला लिंक आपको भेजा था ना, चलिए उसी को दिखा देता हूँ आपके सामने प्रैक्टिकल करके। ठीक है, पिक्चर बॉक्स, पिक्चर माने फिल्म। ठीक है, हाँ पिक्चर मतलब फोटो ही, आप समझिए। ठीक है, पिक्चर माने फोटो। ठीक है, इमेज। ठीक, तो ये मैंने क्या ले लिया, फोटो बॉक्स माने पिक्चर बॉक्स। ठीक है जी, चालू किया हूं इसको, नहीं किया हूं। चलिए जी, मैं क्या चाहता हूं, रन करूं प्रोग्राम और बस इसमें फोटो आ जाए एक ठो। अभी कुछ नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, फोटो आ जाना चाहिए जी, इसका प्रॉपर्टी है कुछ। क्या प्रॉपर्टी है जी? इमेज नाम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इमेज कहाँ है देखते हैं जी। ये देखिए, यहाँ पे है नन। मैं क्या करूँगा, लोकल रिसोर्स में जाऊँगा और कर लूँगा इम्पोर्ट। ठीक है जी, एक ठो ये फोटो है, मैं इसी को सिलेक्ट करके कर लूँगा ओपन, कर दूँगा ओके। तो ये फोटो क्या हो गया, दिखने लगा। ठीक, ये देखिए, लेकिन अब क्या हो गया, ये फोटो इतना बड़ा दिख रहा है कि मजा नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो हमको क्या करना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्टाइल में नन मैं कर दूंगा तो क्या होगा, सिंगल कर दूंगा तो ये देखिए बॉर्डर स्टाइल आ गया, बार बार बॉर्डर बन गया। ठीक है, ओपेसिटी वगैरह है, मैं जो खोज रहा हूँ वो क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी है, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है। क्या है वो प्रॉपर्टी का नाम, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है,
ये तो बॉर्डर स्टाइल है, कुछ तो नाम है उस प्रॉपर्टी का। ये है क्या बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे टाइटल है, यही है। सेंटर में मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, रन कर देता हूँ जी, आप देख लो क्या होगा। प्रत्यक्ष दर्शन करिए आप सामने, क्या हुआ जी, यथावत रह गया। सेंटर का मतलब सेंटर होता है, फोटो उस तरह का नहीं है। स्ट्रेच कर दूं तो क्या हो गया जी, ओ नो, ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं समझ गया, ये प्रॉपर्टी पिक्चर बॉक्स का कहां है, ये तो मैंने फोटो के बैकग्राउंड का मैं देख कर दिया था। यहां पे देखते हैं अब, ठीक है, ये नहीं है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ऑप्शन तो इसी तरह का होता है, लेकिन ये है नहीं, ये बैकग्राउंड इमेज का है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा है। प्रॉपर्टी नीचे तो नहीं है, अच्छा साइज मोड ये होगा, हाँ यही है। स्ट्रेच इमेज किया तो ये देखिए सारा इमेज आ गया, ठीक है, साइज मोड है, ठीक है। प्रॉपर्टी किया स्ट्रेच इमेज में तो पूरा इमेज दिखने लगा जी, ठीक है। ऑटो साइज किया तो ऑटो साइज अपने आप ले लिया ये, ठीक है। अब फॉर्म के अकॉर्डिंग पिक्चर बॉक्स का साइज अपने आप हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया मैंने, सेंटर इमेज कर दिया तो क्या हो गया, सेंटर इमेज का सेंटर भाग दिखने लगा जी। जूम कर दिया तो इस तरह से जो है दिखाई देने लगा, ठीक है जी। तो समझ में आ गया होगा आपको। और मुझे क्या पसंद है, तो मुझे जो पसंद है वो है स्ट्रेच इमेज, ठीक है। तो समझ में आ गया गरिमा आपको, नहीं आया, नहीं आया, मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया फिलॉसफी बता रहा हूं, आपके जीवन में काम आएगा। प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो रियलिटी होता है वो प्रत्यक्ष रूप से इतना आसानी से सामान्यतः दिखता नहीं, ठीक है। तो जी आप लोग ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, जैसे सामने कोई प्रत्यक्ष रूप से दावा करे मित्र होने का, सतर्क हो जाइए। तो इतना सभी लोगों को क्लियर है ना, नहीं है क्लियर, जरा बताइए क्लियर है, नहीं है क्लियर, कितने लोगों को क्लियर नहीं है, सबसे पीछे से सेकंड नंबर, नाम आपका क्या है, सबसे पीछे से सेकंड नंबर, क्या नाम आपका जरा बताइए, आपको ये बातें क्लियर है, नहीं है क्लियर, क्या चीज, 1000 करोड़ प्रश्नों का उत्तर है मौन धारण कर लेना, ठीक है। आपको एक बात जानने की बहुत आवश्यकता है, इंसान को कब मौन धारण करना चाहिए, कब भाषण देना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं अभी बताऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा, आप लोग कभी पूछिएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, तो फिर से बताऊं एक बार, देखिए ये है इमेज का मोड, ठीक, नॉर्मल कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रेच कर देंगे तो ऐसा पूरा फोटो दिखाई देने लगेगा, ऑटो साइज कर देंगे तो ऑटो साइज में पूरा पिक्चर बॉक्स जो है वो पिक्चर के साइज का हो जाएगा, अब फॉर्म में नहीं आएगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है। सेंट्रल इमेज कर देंगे तो क्या होगा, फोटो का सेंटर भाग दिखने लगेगा जी, ठीक है। जूम कर देंगे तो ऐसा दिखाई देने लगेगा जी। और मुझे क्या पसंद है, ये पसंद है, आप लोगों को क्या पसंद है वो आप अपना पसंद
दुनिया को मत बताइएगा, अपने पास रखिएगा। क्यों? हो सकता है सामने वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। प्रॉब्लम सामने वाला बना दे, इसलिए नहीं बताने का कि मुझे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर का तैयारी कर रहा हूँ। चुपचाप कलेक्टर का तैयारी करके बन जाना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए जिधर से तू सोचता है उधर से मैं PhD था। ठीक है, जब आप कमजोर हैं तब सामने वाले को दिखाइए कि आप अत्यंत ताकतवर हैं। जब आप अत्यंत ताकतवर हैं तब सामने वाले को दिखाइए कि आप कमजोर हैं। ठीक, परिणाम क्या होगा? रियल लाइफ से उदाहरण दूं, दो ठो उदाहरण आपको देता हूं। ठीक है, अगर आप कमजोर हैं तो दिखाइए ताकतवर हूं, सामने वाला डर जाएगा, आप पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आप ताकतवर हैं तो आप बताइए मैं कमजोर हूं, तब सामने वाला अटैक करेगा, तब आपको उत्तर देने का मौका मिलेगा। फिर सर्प का फन कुचल दीजिए जब आपको काटने के लिए फन उठाए। सही है ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, शत्रु से तो कदम आगे सोचने का। लाल बहादुर शास्त्री के साथ यही हुआ था जी। पाकिस्तान सोचा, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, चीन बहुत पिटाई कर चुका था भारत का, भारत कमजोर है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री शास्त्री जी बन चुके हैं। पाकिस्तान इसी भ्रम में था कि पाकिस्तान, भारत तो बहुत कमजोर है, चीन से पिटाई हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान ने हमला करा भारत के ऊपर, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि शास्त्री जी बन चुके हैं प्रधानमंत्री, भारत बदल गया है। जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान का इतना पिटाई हुआ, नानी याद आ गया, चार पांच नानी एक ही बार याद आ गया। वो इसलिए आता रहता है, आती रहती है, क्योंकि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उसको उत्तर नहीं दे सकते, उत्तर दे नहीं पाते। अब दूसरा शास्त्री कोई है नहीं ना, दूसरा शास्त्री होता तो औकात दिखा दिया होता। दूसरा शास्त्री अब जन्म नहीं ले रहा है ना, हमें उत्पादन करना पड़ेगा दूसरे शास्त्री का। अब खैर छोड़िए, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो आपने डिजाइन टाइम पे देख लिया कि डिजाइन टाइम पे फोटो कैसे लाया जाता है। ठीक, अब कोड करते समय फोटो कैसे लाना है वो देख लीजिए। ठीक, मैं जाऊंगा इमेज प्रॉपर्टी में, यहाँ पे जाऊंगा और क्या कर दूंगा, क्लियर कर दिया, ओके। ठीक, और फिर क्या करूंगा, मोड चेक करूंगा पिक्चर बॉक्स का। ठीक है जी, मोड कहाँ है, ये देखिए, ये है मोड। ठीक, मैं एक बटन ले लाता हूँ। ठीक है, क्यों मैं ला रहा हूँ बटन आपको मालूम है? बोलो बिना बताए कैसे पता चलेगा, लेकिन अभी पता चलना चाहिए आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए, तो मैं बटन पे क्या नाम लिख दूँ, सो या फिर ओपन इमेज, सो इमेज अभी लिखता हूँ। ठीक है, बटन का टेक्स्ट में मैंने नाम लिखा है, बटन का नाम नहीं चेंज करा है, बटन का नाम बटन वन ही होगा। उदाहरण के लिए बटन सो पे क्लिक करा, बटन वन आ गया इसका नाम, बटन टू पे क्लिक करा, बटन टू इसका नाम है। टेक्स्ट इसका बदल के क्या कर देता हूँ, क्लियर इमेज, CLRE, क्लियर। डबल क्लिक जैसे ही करूंगा तो क्या हो जाएगा, कोड विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोड लिख देंगे, सिंपल सा बात है। हम सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या, पिक्चर बॉक्स का नाम, और पिक्चर बॉक्स का नाम क्या है, पिक्चर बॉक्स वन। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेंगे जी, पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज प्रॉपर्टी, सही हम करते थे ना, इमेज प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेंगे और इसको क्या दे देंगे, फोटो दे देंगे। कैसे, दो तरीके मुझे अभी याद हैं, है तो अनेकों तरीके, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है, और यहां क्या देंगे, PATH, पाथ माने लोकेशन, माने पता, माने एड्रेस। ठीक,
ठीक, पाथ के जगह पे हम क्या देंगे, अच्छा ये सी शार्प में होता है, पाथ के जगह पे हम दे देंगे लोकेशन फोटो का, राइट, दे देते हैं जी लोकेशन, कैसे देंगे, आराम के साथ यहां पे क्या कर सकते हैं, हम बिट मैप भी ले सकते हैं जी, ठीक है, तो बिट मैप भी क्या करता है, फोटो को ओपन करता है, चलिए लाइट आ जाने दीजिए, फिर हम आगे का प्रवचन शुरू करेंगे, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको रोक के रखता हूँ रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ी देर, लाइट आ जाए तो शुरू करें, तेरा नाम धोखा रख दे, मतलब कभी छोड़ के चला जाता है, तो जितना मैंने कोड लिखा वो सभी लोगों को समझ में आ गया क्या, नहीं आया, सभी लोगों को समझ में आ गया, नहीं आया, ठीक है, यहां पे हम दे देंगे लोकेशन, ठीक, क्लियर करो, क्लियर तो दिख ही रहा है मुझे, ठीक है, उस समय नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा क्लियर, या फिर यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं न्यू बिट मैप, ठीक, और न्यू बिट मैप लिखने के बाद यहां पे हम दे देंगे, ये तो जावा में आसी सार में लगता है, मेरे को जावा का थोड़ा ज्यादा लत लग गया है, इसीलिए यहां पे लिख देंगे जी हम पाथ, ठीक है, अब जैसे ही हम पाथ लिख देंगे क्या हो जाएगा, इसमें फोटो शो हो जाएगा, ठीक, तो आप एक टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिटमैप के जगह पे इमेज भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं इमेज वाला ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, बिटमैप सिर्फ अभी दिखा दे रहा हूं, ठीक है, तो तरीके कई हैं, अब पाथ के जगह पे मैं क्या पाथ दे दूंगा, आपको दिखा रहा हूं मैं कौन सा लोकेशन दे दूंगा, आऊंगा मैं माई पिक्चर में, और पिक्चर में फिर कहां जाऊंगा मैं, फोटो कहाँ है, रोल कैमरा, ये तो फोटो दिख ही नहीं रहा है कोई, मैं इसको बंद करके थोड़ा एक फोटो खोजता हूँ, कर दिया इसको रिज्यूम, और फोटो में जो खोज के रखा हूँ उसको ले लेता हूँ जी, ठीक है, इधर आ जाता हूँ, और इसी फोटो को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जी, तो इसका लोकेशन कॉपी हमें करना पड़ेगा जी, किधर से अब लोकेशन लाऊं, राइट क्लिक, कहीं पे लोकेशन का ऑप्शन आए, किधर गया, इन्फो वाला ऑप्शन, फाइल इन्फो, डायमेंशन, ये तो फोल्डर पाथ में सिर्फ इतने दिख रहा है, मजा नहीं आया, नो प्रॉब्लम, हम इतने से क्या करेंगे, काम चला लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, हम लोग को बहुत जुगाड़ आता है, ये जुगाड़ अमेरिका को पता चल जाएगा तो वही इस्तेमाल करने लगेगा, इसीलिए ये आइडिया अपने भारत से जाना नहीं चाहिए, ठीक, इस फोटो का पाथ को मैं कॉपी करूंगा और क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा इधर आके, और फिर क्या करूंगा, डॉट जेपीजी दे दूंगा जी, दे दूंगा ये, चलिए जी एंटर मारा, क्या कर दूंगा अब, हो गया, रन करते हैं प्रोग्राम, देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट, सो में मैं क्लिक कर देता हूं, कितना कमाल का बात है, खाली बंदूकी दिख रहा है, इसका पूरा शकल कौन दिखाएगा, दिखाते हैं इसका पूरा शकल, तो यहां पे आता हूं पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज, उस साइज मोड का क्या था वो, नहीं मेरे को मालूम है उसका साइज मोड था या क्या था वो प्रॉपर्टी, साइज मोड इक्वल टू
स्ट्रेच इमेज, ठीक। साइज मोड के बाद क्या लिखना है हमको रन टाइम पे उसको करने के लिए, पिक्चर बॉक्स साइज मोड डॉट स्ट्रेच इमेज लिख देना है। अब देखिएगा क्या हो जाता है, साधु, ठीक। देखिए जी, मजा नहीं आया, ये फोटो थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, कैसे ऐसे, और इसको क्या कर देंगे जी, छोटा, और इसको कर देंगे मोटा, ठीक है। इसको ले लाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे इधर, फिर इसको ले जाएंगे ऊपर, और फिर इसको क्या कर देंगे रन, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, डिजाइन बन जाएगा ऐसा, ठीक। ये देख लीजिए हो गया जी, क्लियर पर क्लिक करें तो क्या हो, ये इमेज क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने हट जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे जी, सिंपल सा बात है। और क्या करेंगे, पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज, इमेज इक्वल टू कुछ नहीं, ठीक। पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज इक्वल टू लिख देंगे कुछ नहीं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इमेज हट जाएगा, हट जाएगा ना, हाँ हट जाएगा। तो कुछ नहीं को इस विजुअल बेसिक के भाषा में क्या कहते हैं, नथिंग, नथिंग का स्पेलिंग कोई बताएगा क्या, नथिंग कर देंगे, ठीक। बढ़िया टेक्निक है जी, कितना आसान काम है, क्लियर पे क्लिक करा गायब हो गया, सो पे क्लिक करा आ गया, ठीक। एक और प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी आप ध्यान से देखिए, मैं इसको छोटा किया तब तो इतना बड़ा है, लेकिन जब इसको मैं बड़ा करूं तो पिक्चर बॉक्स अपने आप यहां तक आके बड़ा हो जाए, ठीक, मैं ये चाहता हूं। और ये जो यहां पे है एक किनारे पे लग जाए, ठीक है। साइज अगर इतना रहेगा फॉर्म का तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला किनारे है, लेकिन इसको बड़ा करूं तो भी ये सब किनारे चल जाना चाहिए, ठीक। तो ये कैसे जाएगा, इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है क्या, एंकर प्रॉपर्टी, ठीक। चलिए जी, तो एंकर प्रॉपर्टी किसका होता है, लगभग कंट्रोल का होता है। मैं पिक्चर बॉक्स में आता हूं और इसका एंकर प्रॉपर्टी खोजता हूं, ये है एंकर प्रॉपर्टी सबसे ऊपर, ठीक है। एंकर में क्या है, टॉप लेफ्ट, मतलब टॉप से और लेफ्ट से, ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, टॉप से मतलब ये इधर रहेगा, ठीक, टॉप से इधर ही रहेगा फिक्स, और लेफ्ट से इधर फिक्स रहेगा, और टॉप से ऊपर से इतना ये फिक्स ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये है टॉप लेफ्ट का मतलब, ठीक। एंकर प्रॉपर्टी अभी इसका पिक्चर बॉक्स का टॉप लेफ्ट है, मतलब टॉप में और लेफ्ट में फिक्स हो गया कि इधर ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक। तो मैं अब क्या करता हूं कि लेफ्ट में भी फिक्स कर दे, राइट में भी इधर फिक्स कर देता हूं और बॉटम में भी फिक्स कर देता हूं, तो ये सही हो जाएगा ना, फिर पिक्चर बॉक्स फिक्स कर देता हूं जी। कैसे करूंगा, बड़ा आसान, इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा, इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा, आपका दोनों साइड जो है फिक्स कर दिया। रन करता हूं मैं, ये देखिए आ गया, इसको मैं बड़ा कर दिया, इधर भी आ गया ना फोटो, पिक्चर बॉक्स इधर भी आ गया। अब मैं जैसे जैसे इसको आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी ले जाऊंगा तो ये जाएगा, जाएगा ना। ये बटन को बस हमें अभी फिट फिक्स करना है कि इसको मैं, ये देखिए ढक गया, ये देखिए हो रहा है ना, सो पे क्लिक करा तो ये देखिए आ गया। अब मैं इसको फोटो को ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ये देख लीजिए हो रहा है। चलिए कितना खुशी का बात है, ठीक। अब क्या करूंगा, मैं बटन को भी सेट कर दूंगा, तो इसको और इसको सेलेक्ट कर लूंगा मैं जी, देखते हैं एक साथ एंकर प्रॉपर्टी मिलता है या नहीं। तो एक साथ एंकर प्रॉपर्टी में क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा किधर, राइट साइड में, इसको हटा दूंगा,
अच्छा इसको मैं अभी नहीं हटाऊंगा, अभी हटा दूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा, इसको मैं अभी रहने देता हूं, ठीक। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिएगा समस्या क्या आएगा। अभी ये है, मैं बड़ा कर दिया, ये देखिए फैल गया ना, पूरा फैल गया। तो समझ में आ गया आपको गरिमा? नहीं आया? आ गया, उम्मीद है आ गया होगा। बाकी लोग, आप लोग को समझ में आया नहीं आया? क्या चीज? बड़ा मैंने फॉर्म को करा, ये फॉर्म को देख के मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक। ऐसा तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो एंकर प्रॉपर्टी है इसको खत्म कर देता हूँ फिर, ठीक है। पहले बात पहले जैसा कर लूंगा अब, तभी तो कर पाऊंगा। और इसका भी जो है एंकर प्रॉपर्टी मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। इधर किया था, चलिए ये देखिए ये है। अब मैं इसको फॉर्म को मैं बड़ा कर रहा हूं तो यही फिक्स हो गया, इसके आगे पीछे तो बढ़ नहीं रहा है जी, नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना चाहिए, ये देखिए नहीं बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि फॉर्म के साथ जो है आए, ठीक, फॉर्म के साथ जो है रिसाइज हो पिक्चर बॉक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, सिंपल सा लॉजिक है, वही एंकर प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे मैं आया, पकड़ा इसको और यहाँ पे चला गया एंकर प्रॉपर्टी में, ठीक। मैं कर दूंगा राइट साइड से भी आगे पीछे हो, जैसे आप ये देख लो ना, पहले एंकर प्रॉपर्टी क्या था, पहले था राइट नहीं टॉप, टॉप था और लेफ्ट था, था तो टॉप में क्या था, ऊपर से फिक्स था और लेफ्ट से भी ऊपर से ये फॉर्म साइड से फिक्स था ना, था क्यों जयसवाल, मैं सही कह रहा हूं, था ना। लेकिन इधर से क्या था, फॉर्म से नहीं फिक्स था, पिक्चर बॉक्स का साइज से फिक्स था, ठीक। जैसे मैं इसको नीचे लेके जाता हूं, ठीक है, ये देखिए वहीं पे रह गया, फॉर्म के साथ रिसाइज नहीं हुआ, इधर वाला शायद हो जाएगा क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, एंकर प्रॉपर्टी को फिर से जो है हम बॉटम भी ले लेंगे, ठीक। आपको एंकर प्रॉपर्टी का बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये चीजें जो है समझ में आएगा। ये देखिए अब, देखिए अब हो गया ये करेक्ट, ये देखिए हो गया ना, अब हो रहा है रिसाइज। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक। अब यही काम हम बटन के लिए कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिया सभी बटन को मैं एक साथ, आया मैं एंकर प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर ये लेफ्ट लेफ्ट वाले को अगर रहने देता हूं तो क्या होगा, बटन यहीं से रहेगा और फैलना शुरू कर देगा जैसे पहले फैल रहा था। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, सिर्फ इधर ले लूंगा, तब क्या होगा, इधर रहेगा, इधर फिक्स हो जाएगा, मतलब फॉर्म के हमेशा राइट में ही रहेगा, और इसको रहने दूंगा तो ये टॉप में ही रहेगा, ठीक। कर देता हूं इसको मैं रन, इनवैलिड वैल्यू बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है जी। हो गया, चलिए रन कर दूं, कर दिया रन, ठीक है। अब देखिए आप, ये देखिए जा रहा है ना इधर, फॉर्म के साथ देखिए जो है रिसाइज होना शुरू हो गया, बटन हो गया ना। अब इसको मैं करता हूं बड़ा, अब शो पे क्लिक करूंगा, अब बढ़िया फोटो दिख रहा है, दिखने लगा, क्लियर पे कर दूंगा तो हट जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से आप काम कर लिया करोगे, ठीक है। चलिए जी, तो हटाने का कोड तो हमने कर लिया है जी, ठीक है।
यहां तक तो क्लियर है ना सभी लोगों को? नहीं है क्लियर? फोटो को हटाने का कोड इतना ही है जी। अब बात ऐसा है ना कि मैं क्या काम करूं, ठीक है, फोटो खींचोगे तो खींच लो यार, आप लोग मर्जी है तो। इतना सब तक सबको समझ में आ गया है ना? नहीं आया है? चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब क्या चाह रहा हूं कि इस सो जो पिक्चर बॉक्स का ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम कर रहा हूं टेक्स्ट है, उसको मैं कर देता हूं ओपन, ओपन इमेज माने फोटो इमेज, ठीक ठीक है। आप एमएस वर्ड चलाए हो ना, जैसे ही आप ओपन बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ओपन करने का बॉक्स खुलता है ना, एक ठो जो आप सेलेक्ट करते हैं वो जो है सेलेक्ट हो जाता है और एमएस वर्ड में आ जाता है ना वो फाइल एमएस वर्ड का। क्यों? मैं भी वही चाहता हूं कि ओपन इमेज पे मैं क्लिक करूं और एक बॉक्स खुले, उसमें से जो मैं फोटो सेलेक्ट करूं वो यहां पे दिखाई देने लगे। राइट, मैं सही कह रहा हूं? नहीं कह रहा हूं सही? सबसे पीछे कौन है, जरा नाम बताइए अपना। मैं नहीं सुन पाया, जरा आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? चलिए अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा है तो, और नहीं समझ में आ रहा है तो और भी अच्छा बात है, ठीक है। हाँ, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पे और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमको लोकेशन देना पड़ेगा, किसका, जो भी फोटो हम ओपन करें उसका, ठीक। कट करता हूँ मैं इसको, ठीक है, और डीम strng या फिर डीम क्या करूं, p a t h, ठीक, इक्वल टू इसको दे दूं मैं एक स्ट्रिंग, ठीक है जी। और यहां पे न्यू इमेज में क्या दे दूं मैं, p a t h, ठीक, पाथ दे दूं, ठीक। यहां पे जो भी फोटो देंगे वो यहां पे शो हो जाएगा, या फिर मैं इमेज वाले को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, न्यू बिट मैप का इस्तेमाल करके फोटो कैसे दिखाना है वो तो आप जान गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब इसका इस्तेमाल से फोटो कैसे दिखेगा वो आप जान जाइए जी, ठीक है। तो वही पाथ वेरिएबल मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां पे आप बिट मैप भी लिख के ला सकते हैं, ठीक है, बिट मैप, ठीक है, बिट मैप डॉट फ्रॉम फाइल लिखेंगे फिर भी आ जाएगा। तो अनेकों हैं तरीके जो है, आपको जो तरीका पसंद आए वो आप करिए, ठीक है। लेकिन बिट मैप आपको थोड़ा ऑड या अजीब नेम लगेगा, इसीलिए मैं इमेज नाम ले रहा हूँ, ठीक है, इमेज से ही मैं सारा आपको दिखा दूंगा, ठीक है जी। इमेज फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल माने आपके कंप्यूटर में से, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम आ रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, जो हम फोटो सिलेक्ट करें वो यहाँ पे आ जाए, ठीक, मैं ये चाहता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन डायलॉग बॉक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक। कैसे, हम आते हैं यहाँ फॉर्म पे, यहाँ पे आ जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल में कोई ओपन डायलॉग बॉक्स है क्या, ओपन डायलॉग बॉक्स भी पढ़ लेते हैं अभी, ओपन डायलॉग बॉक्स किधर है, किधर है, मिल जाओ जी, वो से ही मिलेगा लगता है, लेकिन कहे नहीं मिल रहा है, ओ किधर गया, ओ ये है, ओ ओपन यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक। इसका नाम क्या है, ओपन फाइल डायलॉग वन, ठीक,
इसका नाम यहाँ से आप बदल सकते हैं, यहाँ से बाकी चीज़ें बदल सकते हैं। इस ओपन फाइल डायलॉग को ओपन कैसे करना है, ओपन करना है आपको तो कैसे ओपन करेंगे, इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, उस ओपन फाइल डायलॉग का नाम लिखूँगा। नाम क्या है, ओपन फाइल डायलॉग वन। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, ओपन फाइल डायलॉग वन, ये देखिए आगे यहाँ पे डॉट शो डायलॉग। ठीक, यहाँ पे कर दूंगा मैं क्या, शो डायलॉग। ठीक, तो क्या होगा, हमारा जो डायलॉग है वो शो हो जाएगा। देखिएगा कैसे शो होता है, ये देखिए जैसे मैं ओपन बटन पर क्लिक करा, शो हो गया ना डायलॉग बॉक्स, हो गया। चलिए जी, कैंसिल कर दिया। अभी मैं कोई फ़ोटो सेलेक्ट नहीं किया था, ये यहाँ पे जो लिखा था ना हार्ड कोड, वो वाला जो है शो हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ओपन डायलॉग बॉक्स में जो भी शो हो, जो इमेज सेलेक्ट करें, वो वाला जो है इमेज यहाँ पे आ जाए। ठीक, तो आप मुझे ये बताइए कि 41 मिनट अभी हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको बता ही दूं या फिर अगले 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 दिन बताऊं, क्या कहते हो आप लोग? सो हो सकता है कि 20 मिनट और लग जाए, 20-25 मिनट, क्योंकि ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स को भी तो मुझे समझाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कहोगे ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कल बता दूंगा बाकी को, और कहोगे नहीं आज बता दो, तो मेरे को खुशी होगा जान करके कि आप लोग पढ़ने के लिए एकदम उत्साहित हो गए। तो आप लोग बताओ, प्रैक्टिकल करोगे या और बता दो, ठीक है, नहीं तो मन में कोई गाली दे रहा होगा कि इसका भाषण बंद ही नहीं हो रहा है, क्यों? अच्छा, नहीं है ऐसा बात, तो बताइए आप लोग क्या करूं, आगे बता दूं या कल देखें, बता दें? बहुत अच्छा है, हमको अत्यंत प्रसन्नता है ये सुन करके। ठीक है, तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स को शो करने के लिए दो फंक्शन है, या दो मेथड है, या दो सब रूटीन है कह लो। एक क्या है, डॉट शो आप लिखेंगे ना, डॉट शो यहाँ पे नहीं है क्या, डॉट शो डायलॉग है क्या, ये देखिए ये देखिए, ये डॉट शो करा तो शो हो गया। ठीक है, मैं कुछ बताना चाह रहा था अभी, लेकिन डॉट शो मेथड यहां पे नहीं है क्या, इसको नहीं। चलिए मैं शो डायलॉग ही कॉल करता हूँ अभी। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, ओपन फाइल डायलॉग से जो भी मैं फाइल, जो फाइल मैं सेलेक्ट करूँ उसका मेरे को क्या चाहिए, नाम चाहिए, नाम चाहिए ना, वो नाम मिल जाए मेरे को तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। चलिए जी, तो कैसे मिलेगा वो नाम, तो मैं मैसेज बॉक्स लिखता हूँ, और मैसेज बॉक्स में क्या कर दूँ, मैं इसी को कॉपी कर लूँ फाइल डायलॉग वन को, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पे लिख दूँ फाइल नेम। ठीक, फाइल नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक, और अब मैं कर देता हूँ इसको ओपन। ठीक है जी, जैसे ही मैंने इसको कर दिया ओपन, ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट फाइल को सेलेक्ट करके करता हूँ ओपन, ये देखिए आ गया, ये पूरा लोकेशन आ गया ना, तो ये देखिए हम अब क्या करेंगे, इसी लोकेशन को जो है, इसी फाइल नेम को क्या करेंगे,
इस पाथ के अंदर दे देंगे। ठीक, तो ये पाथ इसमें जाएगा, ये चला जाएगा इसमें। ठीक, क्या हो गया, चेयर नहीं है क्या? ये ऊपर वाले कोई कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो कोई कहते हैं मुझे कुर्सी का कोई शौक ही नहीं है। मैं सही कह रहा हूं ना? कौन सा फोटो मैं ओपन करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए आ गया, ओपन हो गया ना। अब इस मैसेज बॉक्स को मैं हटा देता हूं। ठीक, आप अगर चाहते हैं तो इसको सीधा, ठीक है, ये जो पाथ नाम के वेरिएबल में मैं रखा हूं ना, इसको सीधा आप यहां पे पेस्ट कर दोगे तो भी जो है ओपन हो जाएगा। दिखा दूं ओपन करके? ओपन पे गया क्लिक, और फिर मैंने क्या करा, इस पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए आ गया ना। तो हमारा काम पूरा हो गया जी। हमारा क्या काम था, हम कोई भी फोटो सेलेक्ट करें और वो फोटो क्या हो, यहां पे अपने आप शो होने लगे। राइट, तो शो हो रहा है ना। अब तो क्या कहते हैं आप लोग, यहां पे मैं इसी लाइन को रहने दूं ऐसे ही, या फिर इसको कट करके यहां पे पाथ लिख दूं। पाथ लिख दूंगा तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा कि ये फाइल नेम में से क्या हुआ, ये नेम इसमें चला गया और ये नेम को मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया और शो हो गया। तो क्या करूं बताइए आप लोग, ऐसे रहने दूं या इसी को मैं जो है यहां पे पेस्ट कर दूं? एक लाइन हो जाएगा फिर, लेकिन हो सकता है शायद आपको कुछ कंफ्यूजन हो। मैं छोड़ देता हूं ऐसे ही, ठीक है, आपको जो पसंद आया वो आप काम करिएगा। ठीक है, चलिए। तो फोटो तो हमने दिखाई दिया ना, क्यों? अब क्या करते हैं कि इस ओपन डायलॉग बॉक्स का हम कुछ सेटिंग करते हैं। ठीक, क्या सेटिंग करते हैं? जैसे ओपन बटन पे मैंने क्लिक करा, ठीक, तो यहां पे ओपन आ रहा है टाइटल में। ठीक, यहां पे क्या आ गया, यहां पे पहले से कुछ लिखा हुआ है। ठीक, लिखा हुआ है ना, और यहां पे मैं टेक्स्ट फाइल भी सेलेक्ट करके कर सकता हूं ओपन, और जैसे ही ऐसा मैं करूंगा तो आ जाएगा एक्सेप्शन, एरर आ गया। ठीक है जी, ऐसा होना नहीं चाहिए, अनहिंडर्ड मेमोरी आउट ऑफ, ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ इसका सेटिंग करेंगे। ठीक, इसका कुछ सेटिंग कर लेंगे हम। क्या सेटिंग करेंगे जी, आएंगे इसका हम प्रॉपर्टी में, जो फाइल नेम प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे, ठीक है, इस फाइल नेम प्रॉपर्टी में मैं क्या करूँगा, खाली कर दूंगा इसको। ये देखिए एंटर कर दिया खाली करके, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं रन करूँगा प्रोग्राम, ठीक है, फाइल नेम जो है खाली रहेगा। ठीक है, ये देखिए खाली है ना यहाँ पे, अब सही हो गया। अब इसको मैं सेलेक्ट करके कर दूंगा इस पे क्लिक, तो आ जाएगा ये फोटो, आ गया। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं आपको कि यहां पे हमने क्या करा है, कंट्रोल लिया है ना, हमने कंट्रोल लिया है कहां से, कंट्रोल बॉक्स से, इधर ही से कंट्रोल लाए थे ना हम लोग, कहां गया वो टूल बॉक्स, टूल बॉक्स से हम लोग कंट्रोल लाए थे। ये देखिए कंट्रोल है, इधर ही से लाए थे ना, लेकिन इसको मान लीजिए कि हम इधर से नहीं लाना चाहते हैं। ठीक, हम इधर से नहीं लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको मान लो मैंने डिलीट कर दिया, यहां से मैं नहीं लाना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? इसके लिए बहुत ही एक सहज उपाय है। क्या, हम क्या करेंगे, उस कंट्रोल को अपने कोड के थ्रू बनाएंगे, रन टाइम पे कोड लिख देंगे ताकि वो बन जाए। ठीक, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, हम कंट्रोल को वहां से पकड़ के खींच के नहीं लाएंगे, तो क्या करेंगे, हम कोड ऐसा लिख देंगे एक लाइन का जिससे कि वो डायलॉग बॉक्स बन जाए। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए जी, डीम, अब कुछ वेरिएबल का नाम लेंगे हम, तो ओपन डायलॉग, ठीक,
ए वेरिएबल का नाम मैंने लिया, ठीक, ए ले लिया, उसके बाद एज न्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ओपन, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्या इसका, एज न्यू एज ओपन डायलॉग बॉक्स तो होता था यार क्लास, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ओपन डायलॉग्स आल में कर देता हूँ, ये देखिए ओपन फाइल डायलॉग है, ओपन डायलॉग नहीं है, ठीक है, तो ओपन फाइल डायलॉग है, ठीक, तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे आऊँगा, न्यू लिखूँगा और फिर ओपन फाइल डायलॉग करके कर दूंगा इंटर, ठीक, तो ये वाला जो नाम है ना, ये क्या है, यही है हमारा ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स, ठीक। पहले हम क्या करते थे, ड्रैग करके ड्रॉप कर देते थे, यहां पे आ जाते थे और उसका नाम हम प्रॉपर्टी से देख लेते थे सेलेक्ट करके, ठीक, लेकिन हमने जो कोड के थ्रू बनाया, ठीक है, ये एक लाइन का मैंने कोड लिख दिया तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो गया, लेकिन इसका नाम क्या है, अब नाम उसका जानेंगे तभी तो यूज करेंगे ना, क्यों, मैं सही कह रहा हूं, तो यहां पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देते तो उसका नाम ये था, यही था ना, अब जो हमने कोड के थ्रू बनाया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ये है ओपन फाइल डायलॉग, ठीक। यहां पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा, मेथड यही काम करेगा, यहां पे भी आके पेस्ट कर दूंगा, मेथड यही काम करेगा, ठीक, फाइल नेम यही काम करेगा, ठीक। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया पीछे, समझ में आ गया सबको, नहीं आया, रन कर देता हूं मैं इसको, ओपन, काम एज इट इज करेगा अभी, ठीक, चलिए जी, तो इतना क्लियर है, क्लियर है ना, चलिए जी, अब जो भी हमें डायलॉग बॉक्स का सेटिंग करना होगा हम क्या करेंगे, ओपन फाइल डायलॉग के माध्यम से, इस नेम के माध्यम से हम कर लेंगे सेटिंग, ठीक। आगे चलें ना चलें, क्या कहते हो, आगे चलें या आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, हाँ आप लोगों के सवाल से ही मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, आप लोग इतने का प्रैक्टिस अभी करिए, ठीक है, बाकी का जो ओपन फाइल डायलॉग है ना उसका सेटिंग वगैरह कुछ और जो है वो मैं आपको क्या करूँगा, कल बता दूंगा, जैसे मान लीजिए, क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं, एक सप्ताह का छुट्टी, मैं ले लेता लेकिन इधर फिर क्लास लेगा कौन, तो मैं छुट्टी ले लूंगा तो फिर कौन लेगा, अच्छा उन लोग के लिए, मेरे को लगा मेरे को बोल रहे हो, ये देखिए क्या हुआ अभी, जैसे ही मैंने इसको रन करा, ठीक है, ओपन इमेज पे क्लिक करा, फिर मैंने कोई फोटो सेलेक्ट ही नहीं किया, कैंसिल पे क्लिक कर दिया, तो क्या आ गया, एक्सेप्शन एरर, ठीक, एरर आ गया जी प्रोग्राम में, ठीक है, ये देखिए, तो इसको कैसे फिक्स किया जाए, तो आप लोग अभी कह रहे हैं कि जी हमें प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, तो बाकी इसका जो अगला है, आगे जो है, हम उसको अगले दिन जो है देखेंगे, आप चाहें तो इसका फोटो खींच लीजिए, ठीक, अगले दिन वाला देख लीजिएगा जी आप, अगले दिन देखेंगे आगे, ठीक है, मैं इसको
थोड़े देर के लिए इसको स्टॉप करके रखता हूँ, मतलब पाउज करके।